नमस्कार, मैं लक्ष्मी सिंह सी लॉर्ड न्यूज की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट न्यूज में। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी ने जारी की 17 प्रत्याशियों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। योगी सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह को लखनऊ के सरोजी नगर से टिकट नहीं मिली है। इस सीट से राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा गया है, जबकि लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दी गई। बता दें कि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा स्वाति सिंह या उनके पति दयाशंकर सिंह में से किसी एक को सरोजी नगर से सीट देगी, लेकिन ऐसा न करते हुए भाजपा ने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस ने बदली खडूर साहिब की टिकट। पंजाब के खडूर साहिब के सांसद और वरिष्ठ नेता जसवीर सिंह डिम्पा के भाई हरप्रीत सिंह उर्फ राजन गिल ने मंगलवार को कांग्रेस की तरफ से खडूर साहिब विधानसभा सीट से पर्चा भरा और इसी सीट से रमनजीत सिक्की ने भी नामांकन दाखिल किया। यानी कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने एक ही सीट से नामांकन भरा, हालांकि कांग्रेस ने सिक्की को सीट दी। अपने ही भाई को सीट न मिलने पर जसवीर सिंह डिम्पा ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एसएसएम को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान संगठनों की ओर से बनाए गए संयुक्त समाज मोर्चा को मान्यता दे दी है। बता दें कि चुनाव आयोग को एसएसएम के नाम से आपत्ति थी, इसीलिए इनकी मान्यता का मामला लटका हुआ था। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग ने इसे चुनाव चिन्ह जारी नहीं किया है। एसएसएम ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है। बीजेपी के लिए दूरदर्शी तो विपक्ष के लिए अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट। जैसा कि अपेक्षित था, बजट विपक्ष को खुश करने में नाकाम रहा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने बजट की जहां आलोचना की, वहीं बीजेपी ने इसे अब तक का सबसे दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट बताया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में वेतन भोगियों, मध्यम वर्गियों और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर चुनौतियों के लिए कुछ भी नहीं किया। कंगना रनौत होस्ट करेंगी एकता कपूर का शो। अभी हाल में ही बिग बॉस के सीजन 15 के फाइनल में तेजस्वी प्रकाश ने बाजी मारी। अब दर्शकों को अगले सीजन का इंतजार कई महीनों तक करना पड़ेगा। ऐसे में इस जॉनर को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बिग बॉस की तर्ज पर ही एकता कपूर एक शो प्रोड्यूस करने जा रही हैं, जो एक रियलिटी शो होगा। इससे भी ज्यादा इसके होस्ट का नाम खासा चर्चा का विषय बन रहा है। इसे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे बेबाक एक्ट्रेस कही जाने वाली कंगना रनौत होस्ट करेंगी।